दोस्तों तो आज है 4 नवंबर 2022 और लास्ट नाइट मुझे नींद नहीं आ रही थी। अराउंड 1:30 बजे आई थिंक आपने देखा होगा कि मैं लाइव था। वो लाइव अराउंड 1 या 1:30 बजे मैंने एंड किया। लाइव एंड करने के बाद फिर थोड़े बहुत काम थे आधे एक घंटे के, मैंने वो फिनिश किया। उसके बाद मैं सोने गया। अराउंड 2 बजे के आसपास मैं सोने गया, ठीक है। फिर 2 बजे के आसपास जब सोने गया तो बहुत ट्राई किया मैंने, ठीक है, सोने का। कभी इस तरफ पलटिया मार रहा हूँ, कभी उस तरफ पलटिया मार रहा हूँ, काफ़ी ट्राई किया, ठीक है। ऐसा करते 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 ट्राई करते करते फिर मैं घड़ी देख रहा हूँ तो 3 बज गई। घड़ी मीन्स मैंने अपने फ़ोन की लाइट जला के देखी तो 3 बज रहा है। फिर मैंने ट्राई किया कि वापस नींद आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं टाइम देख रहा हूँ तो 4:30 हो रहा है। ओके, अब मैं पिछले 2 या कितने घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ सोने का और मुझे नींद नहीं आ रही। इसका एक वैलिड रीज़न ये था कि मैं काफ़ी टाइम से, मुझे आदत पड़ चुकी है 5 या 6 महीने से या उससे ज़्यादा महीने से, मुझे लेट सोने की, ठीक है। लेट सोना यानी 4 बजे या 3:30, 4 या ऐसे ऐसे अप्रोक्स 4 बजे के आसपास सोने की। अब मैं कुछ दिनों से ट्राई ऐसा कर रहा हूँ कि जल्दी सोने का काम फिनिश करके, ठीक है। तो जब मैं जल्दी सोने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हैबिट हो चुकी है उस चीज़ की, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, ठीक है। तो अब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कल के लिए प्रॉब्लम हो चुकी थी। ऑलरेडी मैं 2-2.5 घंटे या कुछ घंटे वेस्ट कर चुका था इस चक्कर में कि मैं सोने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि चलो अभी आपदा को अवसर में बदलते हैं, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। फिर मैंने क्या किया, 10 या 15 मिनट मेडिटेशन किया, उसके बाद मैं बेड से उठ गया और उसके बाद मैं चला गया वॉक पे, ठीक है। अराउंड 5 बज रहे होंगे, 4:30 या 5, ठीक है। 5 बजे फिर मैं वॉक पे निकल गया और वॉक पे निकलने के बाद अच्छा खासा वॉक किया। वॉक के आने के बाद मैंने बोला चलो ना क्यों ना इस फ्लो को और कंटिन्यू करें। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि जिम जाने का, ऑलरेडी मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है बट मैं जा नहीं पाता था। आप ही की तरह, मतलब समझ लो किसी की भी तरह, मेरे पास भी एक वैलिड रीज़न होता था। हमारे पास ना के लिए 100 बहाने होते, उसके लिए कमी नहीं होती। सेम मेरे पास भी एक बहाना था, बट फिर मैं कल उठा था, मैं बोला चलो इधर भी जाएंगे, ये काम भी करेंगे। आगे का फिर आप वीडियो में ही देखो।
कैसे हो रही भाई? बढ़िया एकदम। जिनका घर का क्या नया काम स्टार्ट करना है? नया काम स्टार्ट करना है और ऊपर से मैं बहुत दिन से सोच रहा था मैं अपनी सारी एक्टिविटीज़ एक व्लॉग की तरह रिकॉर्ड करूं। काफ़ी टाइम से मैंने वो भी किया, जिम में जो भी एक्टिविटीज़ की वर्कआउट किया रिकॉर्ड किया। आते आते मुझे अराउंड 9 o'clock हो गए। फिर क्या था, फिर मैंने अपना बाकी का काम किया, फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं सो गया। और आप देख सकते हो मेरी आँखों से, आपको ऐसा लग रहा होगा शायद कि अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है। कभी भी रात की नींद अगर आप रात को कंप्लीट नहीं करते ना तो रह ही जाती है मोस्ट प्रॉब्ली। तो अगर आप देख पा रहे होगे शायद पता चल रहा होगा कि मेरी आंखों पे अभी भी आपको लग रहा होगा हल्का हल्का कि वो नींद कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अराउंड 10:30 को मैं सोने गया, 4 o'clock के आसपास मैं वापस उठ गया। एग्जैक्टली बोला जाए तो नींद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत और मुझे सोना चाहिए, बट समहाउ मैं उठ गया और अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि हर चीज़ में मैं क्या करता था कि कोई भी चीज़ आज करनी चाहिए ना, कोई इवेंट, तो वो चीज़ मैं कल करता था। ऐसी हैबिट हो जाती है, कल करता यानी बहुत बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं आज ही कर देता था। बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने जो आज रिकॉर्ड किया है, जो इंसिडेंस है, ये इवेंट है, क्यों ना मैं इसे आज ही इस चीज़ को पूरा करूँ, रिकॉर्ड करूँ और अपलोड करूँ। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अराउंड 5 o'clock हो रहे शाम के, और अब मैं इसको अपलोड भी करूँगा। अब अपलोड कब तक होगी वो देखने की बात है, बिकॉज एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं तब तक, बाय बाय।